नमस्कार, देख रहे हैं आप पल पल टॉप 10 मेरे यानी प्रखर के साथ में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची खमरिया व्हीकल मोड़ की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को मारी टक्कर, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कांग्रेस नेता जतिन सप्रे पर हुआ चाकू से हमला, भानतलैया स्थित खेर माता मंदिर के पास अज्ञात युवकों ने मारा चाकू। सभी शासकीय पॉलीक्लिनिक में की गई कोल्ड स्टोरेज रूम की व्यवस्था, जानवरों को लगाए जाने वाले टीके रखे जाएंगे सुरक्षित। शहर की यातायात व्यवस्था लगी चरमराने, ट्रैफिक सिग्नल के बंद होने से लग रहा है जाम। शहर में मिलावटखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश देकर कर रहे पर्दाफाश। सालों से चल रहा है सीवर लाइन का काम, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के साथ सरकार द्वारा छलावा करने का लगाया आरोप। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन पर शांति समिति की हुई बैठक, आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है उद्देश्य। सिवनी से जबलपुर लाकर पैगोलीन को बेचने की फिराक में थे 3 युवक, मानेगांव की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। उखरी रोड स्थित शंकर मंदिर के पास नगर निगम के कर्मचारी पर अज्ञात व्यक्तियों ने किया चाकू से हमला, कर्मचारी नरेश शर्मा को कराया गया अस्पताल में दाखिल। फिलहाल पल पल टॉप 10 में इतनी खबरें, बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज के साथ।